अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक डोमेन और होस्टिंग को रजिस्टर कर सकते हैं नेमचीप के ऊपर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, गोडैडी, जो भी आपका अच्छा लगता हो आप रिसर्च कर लें, जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट सूटेबल रहेगा। अब डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग रजिस्ट्रेशन का तरीका का सेम होता है, तो मैं नेमचीप पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बाकी आप किसी प्लेटफॉर्म पे इसी तरह इस तरीके को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। अब उसके लिए हम चलेंगे अपने लैपटॉप की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कैसे आप डोमेन और होस्टिंग को रजिस्टर कर सकते हैं और उनको आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब डोमेन और होस्टिंग बाय करने के लिए आपको डिफरेंट कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, जिसमें सबसे पॉपुलर गोडैडी, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, नेमचीप और बहुत सारी बाकी कंपनीज हैं जो आपको मुख्तलिफ प्राइसेस में मुख्तलिफ बैंडविड्थ के साथ होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, और यही कंपनीज आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन की सर्विस भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ब्लू होस्ट, नेमचीप, और नेमचीप को इसलिए मैं यूज़ करता हूँ कि ये थोड़ा अफोर्डेबल है, इसकी जो रिन्यूअल प्राइस है वो भी बड़ी अफोर्डेबल है, और इसकी साल में 2-3 बार सेल्स वगैरह लगती है, जिसमें आप डोमेन को रिन्यू करवा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस में, फिर आपको होस्टिंग को भी, होस्टिंग और डोमेन दोनों को। और उसके अलावा डोमेन और होस्टिंग रिन्यू कराने के अलावा उनकी नवंबर और दिसंबर में इनकी सेल लगती हैं, जिसमें तकरीबन आपको 90% तक ऑफ मिल रही होती है डोमेन और होस्टिंग। तो आप बहुत ही मुनासिब कीमत में होस्टिंग और डोमेन को रजिस्टर करके इस पर काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम नेमचीप पे अपना अकाउंट बना के उस पर डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने रिसेंटली कोशिश की थी कि मैं लाइव आपको डेमो दिखाऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये रहा था कि उस टाइम मैं बार बार इश्यूज आ रहे थे और मैं प्रॉपरली रजिस्टर नहीं कर सका था। तो सबसे पहले आपने अगर यहाँ पे आते हैं तो डोमेन नेमचीप के पेज पे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि आप डोमेन रजिस्टर करवाना चाहते हैं या ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। ट्रांसफर का मतलब ये है कि आप किसी और कंपनी के साथ आपकी डोमेन है, आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं नेमचीप के साथ, तो वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पे। और रजिस्टर का मतलब है आप बिल्कुल न्यू डोमेन को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको प्राइस मिल रही है 5.98, जो तकरीबन $6 बनते हैं .com के, और .net के बनते हैं $11.18। अब ये $5.98 ये न्यू कस्टमर्स के लिए, और अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो दोबारा परचेज करता है तो उसके लिए प्राइस तकरीबन है कोई अराउंड $10 या $12 के आसपास है। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है, पहले ही आप डोमेन वगैरह खरीदे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नया अकाउंट बनाएं और यहाँ पे आप तकरीबन अपने $5 तक बचा सकते हैं। और आप वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, फिर आप अपनी डोमेन को फिर अपने पुराने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल Easy ranking को company को just check कर रहा हूँ मैं कि ये domain available है कि नहीं। यहाँ पे आप domain डाल के सर्च करेंगे, सर्च पे क्लिक किया मैंने तो ये हमें यहाँ पे शो कर देगा कि आपकी domain available है कि नहीं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो आपकी डोमेन easyranking.co.com अवेलेबल है, तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया था, $9.58 होती है पर ईयर, लेकिन आप अगर न्यू कस्टमर है तो न्यू कॉम 598 का प्रोमो आप ये कॉपी करेंगे और उसको आप रजिस्ट्रेशन के वक्त जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो आप प्रोमो ऐड करके आप तकरीबन $4 का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, अगर आप न्यू कस्टमर है, नया अकाउंट आपने बनाया है। तो ये डोमेन अवेलेबल है, इसको सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर देना है और फिर चेकआउट की तरफ से जाना है। अब मैं थोड़ा सा आपको नेमचीप का ओवरव्यू दूं कि नेमचीप मेरे लिए क्यों बेस्ट है। तो इसकी प्राइसेस बड़ी अफोर्डेबल है, इसकी डोमेन्स पे अगर मैं जाता हूँ तो आपको डिफरेंट, अगर जिस चाहे आप टॉप लेवल डोमेन TLD जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं रजिस्टर, उसके अलावा बाकी भी जो भी एक्सटेंशन है डोमेन की बाकी में भी अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये .org, .net और .com में है, लेकिन अगर मजीद आप चाहते हैं .net में, .io में, .com में, .ai में, तो ये सब में अवेलेबल है इनके डोमेन्स। आप
यहाँ पे अगर मैं शो मोर करता हूँ तो डॉट इन देख लें, डॉट एन एल, बाकी जो कंट्रीज स्पेसिफिक है वो भी अवेलेबल है, डॉट लाइव में भी अवेलेबल है, डॉट यूके में है, तो ये डोमेन सारे अवेलेबल है होती है यहाँ पे। और डोमेन अगर आपने डॉट पीके में परचेज करें तो फिर आपको बाकी कुछ कंपनीज हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है, वहां से परचेज करना पड़ता है। एक कंपनी का नाम है पीके एनआईसी, यहाँ से अगर आपने डॉट पीके में डोमेन लेनी हो फॉर एग्जाम्पल व्लॉगिंग डॉट पीके या कोई भी डॉट पी के, तो ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप साइन अप करके अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऐड करके, क्रेडिट कार्ड ऐड करके आप अपना यहाँ पे भी डोमेन डॉट पी के में रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी हम आते हैं नेमचीप की तरफ, तो नेमचीप पे हर तरह की डोमेन अवेलेबल होती है जो आप रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्काउंटेड आपको मिल रहे होते हैं, आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। फिर आप होस्टिंग की तरफ अगर जाते हैं ना, तो इसकी अगर होस्टिंग पे क्लिक करें, होस्टिंग इसकी शेयर्ड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग है, वर्डप्रेस की होस्टिंग है इनके पास, तो हर तरह की होस्टिंग इनके पास तकरीबन अवेलेबल है, जो आप अपने स्मॉल बिजनेस के लिए, अपनी एजेंसी के लिए, किसी भी लेवल के लिए आप यूज कर सकते हैं। इनके पास डेडिकेटेड सर्वर है जो आप परचेज कर सकते हैं, इनके पास शेयर्ड होस्टिंग है, और मैं यूजली यूज करता हूँ रीसेल शेयर्ड होस्टिंग, इसमें उनका बिजनेस प्लान है। अगर हम जाते हैं शेयर होस्टिंग पे तो मोस्टली यही यूज करते हैं जो लोग इंडिविजुअल हैं या फिर स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके लिए ये बेहतर होती है। ये शेयर, ये आपका सर्वर जो है वो डिफरेंट यूजर के दरमियान शेयर होता है, लेकिन सिक्योर है, इसमें कोई इशू नहीं होता। अब शेयर होस्टिंग में इनके तीन प्लान आ रहे होते हैं, 1.98 तकरीबन $2 पर मंथ में है, ये तकरीबन $3 पर मंथ में है, ये $5 पर मंथ में है। और ये जो पहला प्लान है, इसके साथ आप अगर आप तीन वेबसाइट्स आपकी हैं तो आप तीनों को होस्ट कर सकते हैं, डोमेन नेम आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी अलग अलग। और 2.98 वाला जो प्लान, इसके अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, और बाकी जो स्टेलर बिजनेस है इसके भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, मतलब आप जितनी मर्जी वेबसाइट इस पे होस्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। अगर मैं इस प्लान जाता हूँ गेट स्टार्टअप, जैसे मैंने क्लिक करना है तो ये मुझे बता रहे हैं कि मेरा इस पे कितना कॉस्ट आएगा, ये पूरे साल का बता रहा है, 22.88 पर ईयर। उसमें अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप नया डोमेन ऐड करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग डोमेन, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर एग्जिस्टिंग डोमेन आपके पास है तो यहाँ पे सिंपली आपने साइन इन करना है नेम चीप में, जिस अकाउंट में आपका रजिस्टर है, तो आपको वहां से डोमेन नेम एग्जिस्टिंग डोमेन नेम को कनेक्ट करके आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। अगर न्यू डोमेन नेम है तो आपने न्यू डोमेन को यहाँ पे आपने परचेज करना पड़ेगा आपको, या फिर आपका कार्ट में है तो ठीक है, लेकिन आपके शायद कार्ट में हमने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे न्यू परचेज पे क्लिक करके या फिर फाइंड डोमेन पे हम क्लिक करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल इजी कोवर्किंग को डॉट कॉम, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ये सर्च किया मैंने, तो ये मुझे बता दे कि ये डोमेन अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है 9.58 पर ईयर में। मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको ऐड टू कार्ट कर देना है, सॉरी कनेक्ट टू होस्टिंग भी कर सकते हैं आप, तो आपके यहीं से होस्टिंग और डोमेन दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस टाइम मेरे चार्जेस हो गए 32.68। मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ओके तो यहाँ पे ये आप साल सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, जितने मर्जी उस हिसाब से आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। डोमेन रजिस्ट्रेशन जिस तरह मैंने किया है तो ये 37.54 हो गया है 3 साल के लिए, 1 साल पे आता हूँ तो ये कम होके 9.58 पे आ जाता है। फिर नीचे एसएसएल सर्टिफिकेट अगर आप लगाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं लगाना चाहते तो आप इसको क्लाउड फ्लेयर का यूज कर सकते हैं, जिसको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप क्लाउड फ्लेयर का एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में यूज कर सकते हैं सारी जिंदगी के लिए, फुल लाइफ टाइम। तो प्रोमो का मैंने जिक्र किया था, इसमें अगर हम दोबारा नेमचीप की वेबसाइट पे जाते हैं, हम वेलकम वाला प्रोमो में कॉपी शायद मैंने नहीं किया इसको, नहीं कॉपी हुआ, तो आप वेलकम प्रोमो यूज कर सकते हैं नेमचीप का। मैंने क्लिक किया यहाँ पे,
यहाँ पे शायद कहीं पे आ रहा हूँ इनका वेलकम प्रोमो। आप यहाँ से डोमेन नेम कोई सर्च करके मैं रैंडम से डाल रहा हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया सर्च ताकि मुझे प्रोमो कोड विजिबल हो जाए यहाँ से। वो मैं असल में इंटरनेट पे आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं नेम चीप प्रोमो कोड, या फिर कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जब मैं रजिस्टर कर रहा था तो नीचे इसके आ रहा था, ये देखें यहाँ न्यू प्रोमो आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। इतना पार्ट मुझे चाहिए बस, कॉपी। मैंने यहाँ प्रोमो सेक्शन में इसको ऐड किया और इसको अप्लाई कर दिया। आपको लॉगिन होना पड़ेगा प्रोमो कोड लगाने के लिए। तो लॉगिन तो मैं तो साइन अप करूंगा, ऑलरेडी जो अकाउंट है उस पे प्रोमो कोड नहीं चलेगा हमारा। तो देखते हैं कुछ रैंडम सा और जस्ट एग्जाम्पल पर्पज के लिए। अकाउंट तो मल्टीपल बने होते हैं, @gmail.com। ओके मीट एक्स नूर, कोई भी रैंडम सा पासवर्ड मैं लगा रहा हूँ, बस इसी को कॉपी करके इसी पे यहाँ पे पेस्ट करके मिंटेक्स नूर। दोबारा मैंने क्रिएट क्रेडिट अकाउंट एंड कंटिन्यू। तो ये मेरा अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद ये शायद ईमेल वेरिफिकेशन का बोलेंगे, लेकिन उसको हम देखते हैं कि वो तो आप कर सकते हैं। ईमेल पे आपको एक लिंक आता है, उसको आप सिंपली क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इस टाइम मैं जाता हूँ दोबारा व्यू कार्ड पे। तो ये मेरा सब टोटल नजर आ रहा है, इसमें मुझे अब करना है प्रोमो कोड दोबारा ऐड। ये मैंने ऐड किया न्यू कमर का। ओके कूपन कोड से अप्लाइड हो चुका है। ओके ये अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे ये 5.98 में हो गया है। ये डोमेन पे मिलता है सर, डोमेन नेम पे। तो इसके अलावा होस्टिंग के भी कुछ प्रोमो होते हैं, लेकिन जाहिर है एक बार आप सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं नेम चीप प्रोमो कोड्स 2023, तो आपको हल्का फुल्का सा डिस्काउंट कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा। क्योंकि अगर हम देखा जाए इसको कंपेरेटिवली डॉलर रेट के मुकाबले में, तो अगर हम $1 भी बचाते हैं तो हम तकरीबन पाकिस्तानी 260 या 250 रुपये बचा सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, शायद इनमें से एक है जिन पे प्रोमो कोड अवेलेबल होते हैं लेटेस्ट स्कीम। कूपन फॉलो, इन दोनों को हमने ओपन करना है। ये इनके ये सर नेम चिप की अपनी वेबसाइट पे मेंशन है ये वाले ज्यादातर। ये 20% ऑफ का ही कूपन होता है इनका। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कितने इनके प्रोमो कोड्स चल रहे हैं। कुछ सर्विसेज पे ये 50% ऑफ भी देते हैं, तो ये आपने देखना होगा सारा। तो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे नेम चिप पे, मैंने प्रोमो कोड ऐड कर दिया, मैंने कन्फर्म ऑर्डर किया है। अब ऑर्डर कंफर्म करने के बाद यहाँ दोबारा मुझसे ये डिटेल मांगेगा सारी। मैंने अपने एड्रेस की डिटेल देनी है, मैं कोई भी यहाँ पे रैंडम सा एड्रेस ऐड कर रहा हूँ। कंपनी मैंने बीट द ब्रांड ऐड की है, जो टाइटल को आप रहने दे चाहें। आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है, आपने थोड़ा सा इसको यहाँ से अगर पाकिस्तानी कंट्री कोड चूज कर लें तो 92 हो जाएगा। ओके ओके लेट मी कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। बाकी चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है सारी, मेरा एड्रेस ऑलरेडी सेव था, आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा अगर सेव नहीं है आपका। ओके तो यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंट कॉन्टेक्ट भी यूज कर सकते हैं आप।
ये मेरे पास सेव थे, इसका मतलब ये कि जब आप चेकआउट करना है तो आप यही यूज कर सकते हैं जो मैंने रिसेंटली यहाँ पे अपने ब्राउजर में सेव थे वो मैंने ऐड किए। तो यहाँ पे सारी चीजें यही आ रही हैं तकरीबन, और इसको मैंने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मुझसे ये पेमेंट ऑप्शन मांग रहा है, तो यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऐड करनी है। सिंपली आपने मेक श्योर करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो क्रेडिट कार्ड जो है उस पर ऑनलाइन पेमेंट होती हो। फॉर एग्जाम्पल मीज़ान पे होती है, मीज़ान बैंक जो क्रेडिट कार्ड है, उसके अलावा कोई भी मास्टर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पेपाल, सॉरी मेरे पास फैसल बैंक का है, लेकिन उस पर नहीं होती, तो मुझे फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड बनाना पड़ता है, उसके थ्रू हो जाती होती है नेमचीप पे। आपने न्यू कार्ड ऐड करना है, आपने यहाँ पे कार्ड पे जो नाम है आपका वो यूज करना है। ये मेरा कोई एक्सपायर्ड कार्ड है वैसे, ये आपने यूज नहीं करा, मेरा वर्चुअल कार्ड एक्सपायर्ड हो चुका है। उस पे जो नाम था मैंने यूज किया, उस पे नंबर ये था मेरा, लेकिन ये अब काम नहीं करता ये, बल्कि सॉरी ये मेरा अपना क्रेडिट कार्ड है जो मैंने ऐड किया है यहाँ पे, ये मेरा कार्ड है, ये चलता है, लेकिन मुझे इसको ब्लर करना पड़ेगा सिक्योरिटी वजूहत के बिना पे। तो ये मेरा कार्ड है, मैंने ऐड किया क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कोई रैंडम सा सीवीसी ऐड कर दूँ, क्योंकि अगर सीवीसी मेरा रिवील हो गया तो फिर तो कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने सीवीसी ऐड नहीं किया, मैंने रैंडम सा कोई 3 डिजिट नंबर ऐड कर दिया है, लेकिन मैं इसको ब्लर कर दूंगा। आपने अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं उनको सिक्योर रखना है, लेकिन आप नीम जी वगैरह पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, मेरी डोमेन और रजिस्ट्रेशन, डोमेन और होस्टिंग यहाँ से रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैंने सीवीसी गलत ऐड किया है तो ये मुझे यहाँ पे एरर देगा, फेल टू प्रोसेस पेमेंट। ठीक हो गया, योर कार्ड वाज डिक्लाइंड, डिक्लाइंड होना था क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड डिटेल थोड़ी गलत ऐड कर दी थी सीवीसी, ताकि यहाँ पे मेरी पेमेंट ना हो, क्योंकि मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपना डेमो सारा दिखा रहा था कि कैसे आप डोमेन और होस्टिंग को रजिस्टर कर सकते हैं इंडियन चीप को इस्तेमाल करते हुए। तो ये वीडियो है, उसके अलावा बाकी जो पॉपुलर होस्टिंग कंपनी है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, चाहे वो 1 on 1 है, तो वो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी चूज करते हैं अपने बजट के हिसाब से। मेरे लिए नेमचीप बेस्ट है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। इसकी सर्विस, इसकी जो चैट सर्विस है, लाइव चैट सपोर्ट, वो तकरीबन 24 घंटे अवेलेबल रहती है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा इनके होम पेज पे, अगर आप लॉगिन होते हैं तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको इनका या इस कॉर्नर में अपीयर होना शुरू हो जाता है, या फिर नीचे बटन आ रहा होता है चैट नाउ का। ये तो मैं उसके उनके नेम पे यहाँ पे एंड पे ये देखिए गो टू लाइव चैट पेज, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं सिंपली, ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे इतना मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ा है, लेकिन कुछ ये उनका होम पेज है, इसलिए कुछ पेजेस पे ये बहुत जल्दी ऊपर शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डोमेन पे जाता हूँ, डोमेन नेम सर्च पे जाता हूँ, यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है शायद, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर इट। ये इनकी लाइव चैट का पेज है, यहाँ पे आप अपना मैसेज इनको लाइव चैट कर सकते हैं, अपने मैसेज, अपनी क्यूरीज कोई भी आपकी है। अब मैं इस पेज पे आया हूँ तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस कॉर्नर वाले ये आइकन जो चैट का आइकन है, तो इनका चैट बॉक्स ओपन हो जाता है। आप यहाँ से आर्टिकल पढ़ सकते हैं इस पेज पे, इनको टिकट सबमिट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है, और इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैंने फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग यहाँ पे सिलेक्ट की है, एंड मैंने इनको मैसेज करना है आई नीड सपोर्ट ऑन होस्टिंग। मैंने उनको सिंपली मैंने सेंड किया है, थोड़ी देर में यहाँ पे इनका एजेंट आ जाएगा जो हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए इनका ऑटोमेटिक रिप्लाई आया है, थोड़ी देर में इनका ये देखिए पाउलो क्रोट, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है चैट, ये इनका रिस्पॉन्स भी आ गया। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उसमें, ना ही मैं उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये आप क्विकली किसी भी किस्म की हेल्प ले सकते हैं इनके साथ, लाइव चैट पे आके,
24/7 चाहे रात है दिन है, तकरीबन हर टाइम अवेलेबल होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।